हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ मेरी नानी माँ का नुस्खा है, ये जो कब्ज के लिए, कब्ज की कितनी भी बड़ी समस्या को दूर कर देता है, कब्ज चूर्ण बता रही हूँ। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम कब्ज का चूर्ण बनाएंगे। ये मेरी नानी माँ का नुस्खा है, ये मेरी नानी बनाती है, बहुत ही अच्छा बनता है। ये कब्ज की समस्या को चुटकियों में दूर कर देता है। ये सुनाई की पत्तियां हैं जो किराना की स्टोर पर मिल जाती हैं। इसे आप धूप लगा लें बनाने से पहले। 100 ग्राम सुनाई की पत्तियां ली है। 50 ग्राम हरड़ लेंगे, छोटी हरड़ है काले रंग की। 50 ग्राम आंवला, सूखा आंवला। 200 ग्राम काला नमक। आइए हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम हरड़ डालेंगे सबसे पहले और सूखे आंवला, इन दोनों को हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, आंवला और हरड़ को हमने ग्राइंड कर लिया है। इसमें हम सुनाई की जो पत्तियां हैं वो डालेंगे, इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। पहले आधा डाल लेते हैं, उसके बाद आधा डाल के फिर से ग्राइंड कर लेंगे। हमने सभी पत्तियों को भी ग्राइंड कर लिया है, आप देखते हैं काफ़ी महीन पेस्ट बन गया है इसका। ये देखिए पाउडर बन गया है ये। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे और एक बार मिक्सी में चला लेंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। काला नमक ऑलरेडी पीसा हुआ है, इसे हम मिक्स कर लेंगे एक बार चला के। ये देखिए अच्छे से पाउडर तैयार हो गया है ये। अब हम एक छलनी लेंगे, बाउल में इसे छान लेंगे। हम आटे की छलनी ली है मैंने, यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हम छान लेते हैं इसे। चूरन को हमने छान लिया है, जो मोटा चूरन बचा है छानने के बाद छलनी में, इसे हम दोबारा से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और फिर से छान लेंगे। चूरन बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी प्लास्टिक की बोतल में 3 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं, कब्ज के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसे आप 1 चम्मच हल्का गुनगुना पानी के साथ लीजिए, जब भी आपको कब्ज की शिकायत हो, एक बार में ही आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये नुस्खा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए।